तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SS होम्स और मेरा नाम है वंशिका। तो आज हम आपको लेके आए कालवा रोड के एक प्राइम लोकेशन पर, चिरायू हॉस्पिटल के बैक साइड में हमारी जो ये प्रॉपर्टी है ये लोकेटेड है। 17x47 के डायमेंशन में ये बनी हुई है, साथ ही साथ 88 वर्ग गज में ये होने वाली। एक बार विला का फ्रंट एलिवेशन आप देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ विला को तैयार किया गया है। 2 यूनिट अभी हमारे पास अवेलेबल है। आसपास का सराउंडिंग भी आप नोटिस कर सकते हैं, काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पानी और शिवर दोनों फैसिलिटी मिलने वाली है, जो कि हमारे व्यूअर्स की डिमांड रहती है। तो हम विला का टूर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम विला का टूर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी यहाँ पर आपको मिल रही है। फ्रंट में ही बहुत अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे आपको दिया गया है, साइड में नेम प्लेट के लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। ये आ जाता है हमारा बर्न का एरिया, जो कि काफ़ी अच्छी हाइट में होने वाला है। डोर्स की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे डीको स्प्रे के आपको डोर्स मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के यहाँ पे होने वाले हैं। ये आ जाता है हमारा पार्किंग एरिया, उससे पहले आप देख सकते हैं दोनों साइड आपको यहाँ पे लैंप दिए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के होने वाले। अगर विला की मैं एंट्रेंस की बात करूँ तो ड्यूअल एंट्रेंस हमें यहाँ पे मिलने वाली है, एक हमारे गेस्ट रूम से और एक हमारे ड्राइंग रूम से। तो हम ड्राइंग रूम से विला का टूर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप एक बार लॉबी देख लीजिए। काफ़ी अच्छे साइज़ में हमारी लॉबी यहाँ पर होने वाली है, आप प्लांट्स वगैरह लगा के इसको अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। ये आ जाती है हमारी पार्किंग, तो पार्किंग का स्पेस भी काफ़ी अच्छा होने वाला है यहाँ पर। साइड में आपको टाइल्स का वर्क दिया गया है, जिससे आप अपने व्हीकल वगैरह वॉश करें तो यहाँ पे सीलन पपड़ी की आपको कोई भी प्रॉब्लम ना है। वाटर टैंक का प्रोविज़न भी यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मोटर के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिया गया है। स्टेयर्स जो है ऊपर के लिए वो हमें यहाँ पे बाहर से मिलने वाली है। तो हम हमारे फर्स्ट फ्लोर का भी टूर करेंगे, उससे पहले एक बार ग्राउंड फ्लोर देख लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारा डोर, जिस पर सनमाइका का वर्क किया गया है काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ड्राइंग एरिया में, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं डेकोरेशन का इस विला में बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीनरी आपको लगी भी मिल रही है, और ऊपर फोर सीलिंग की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन की फोर सीलिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। वॉल की मैं बात करूँ तो वॉल भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ यहाँ पर तैयार की गई है। टाइल्स पर भी बहुत अच्छा वर्क यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन का किया गया है। ये आ जाता है हमारा LED पैनल, तो आप देख सकते हैं वुडन का LED पैनल हमें यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि एक अलग ही डिज़ाइन के साथ हमें यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे LED लाइट्स का भी यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही कम घरों में हमें देखने को मिलता है। तो ये आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छी साइज़ में यहाँ पे होने वाला है। टाइल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फुल साइज़ में टाइल्स का वर्क आपको करके दिया गया है, और इधर की साइड आपको वॉश मशीन के लिए प्रोविज़न दिया गया है, यहाँ पर भी टाइल्स का यूज़ किया गया है। वॉश मशीन हम आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके देंगे। ये आ जाता है हमारा किचन, किचन जो है हमारा ओपन किचन होने वाला है। तो स्टार्टिंग में आपको बड़े डबल डेकर फ्रिज के लिए स्पेस मिल जाता है। किचन की मैं बात करूँ तो L शेप में हमारा किचन होने वाला है, जो कि फुल मॉड्यूलर होने वाला है। कैबिनेट्स आपको यहाँ पे वुडन के मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं स्मूथ कैबिनेट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। इधर की साइड आपको विंडो मिल रही है, और इस किचन में आपको चिमनी के लिए भी स्पेस दिया गया है। अगर आप चाहें तो आपकी चिमनी आराम से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे साइज में हमें हमारा फर्स्ट बेडरूम मिलने वाला है, बहुत ही स्पेशियस। वॉल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वॉल आपको मिलती है। ऊपर फोर सीलिंग भी आप देख सकते हैं, एक नए डिज़ाइन की फोर सीलिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और AC का सेपरेट पॉइंट भी हमें हमारे बेडरूम में मिलने वाला है। इस साइड आ जाती है कबर्ड, तो आप देख सकते हैं फुल वॉल पे हमें यहाँ पे कबर्ड मिलने वाली है, जिसपे आयरन के डोर्स लगा के आपको दिए जा रहे हैं, वो भी एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के। तो ये आ जाता है हमारा वॉशिंग एरिया, आप देख सकते हैं वॉशिंग एरिया भी हमारा बहुत अच्छे साइज़ का होने वाला है। ऊपर आपको डक लगा के दी गई है, जिससे सनलाइट प्रॉपर आती रहे। टैप्स वगैरह यहाँ पर सब आपको इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की साइड। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टी हम आप लोगों के लिए लेके आते रहें। तो ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम, आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ तैयार किया गया है। वॉल भी आप देख सकते हैं, वॉल पे भी बहुत अच्छा कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है। डेकोरेशन के लिए भी यहाँ पे आपको कबर्ड बना के दी गई है, और AC का सेपरेट पॉइंट भी ऊपर की साइड आपको दिया गया है। फोर सीलिंग भी बहुत प्यारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और इस साइड आ जाती है हमारी विंडो।
आप चाहें तो बाहर से कूलर वगैरह आराम से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और एक एंट्रेंस मिला के हमें इस बेडरूम से मिल जाती है। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की साइड। अच्छा, फ्लोर की जो स्टेयर्स है वो हमें बाहर से मिलने वाली है, तो आप चाहें तो इन फ्यूचर इसे रेंट पे भी दे सकते हैं। तो स्टेयर्स की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे ग्रेनाइट का बहुत अच्छा वर्क आपको यहाँ पे मिलने वाला है। रेलिंग की मैं बात करूँ तो SS की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रेलिंग का यूज़ किया गया है इस विला में। ये आ जाते हैं हमारे टफिन ग्लास का वर्क, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के टफिन ग्लासेस का वर्क यहाँ पे आपको करके दिया जा रहा है। तो ये आ जाता है हमारा टेरिस, जो कि काफ़ी स्पेशियस होने वाला है। टेरिस से भी आप आसपास का सराउंडिंग देख सकते हैं, काफ़ी बसावट वाला एरिया है हमारा, यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जो कि हमें इंडियन सीट के साथ मिलने वाला है। टाइल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी के टाइल्स का यूज़ किया गया है और बहुत अच्छी हाइट तक यूज़ किया गया है। तो हम चलते हैं हमारे बेडरूम की साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन का हैवी डोर आपको मिलने वाला है। ये आ जाता है हमारा बेडरूम। वॉल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी वॉल पे बहुत अच्छा डिज़ाइन आपको मिलने वाला है और इससे मिलता जुलता ही ऊपर फोर सीलिंग का वर्क आपको देखने को मिलने वाला है। ये आ जाती है हमारी कबर्ड, जो कि डेकोरेशन के पर्पज़ से हमें दी गई है। और इस बेडरूम में हमें बालकनी भी मिलने वाली है, तो हम एक बार बालकनी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बालकनी का साइज़ बहुत ही अच्छा होने वाला है। ऊपर वुडन के कलर का यूज़ यहाँ पे किया गया है और LED लाइट्स का। रेलिंग की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी की रेलिंग यहाँ पे यूज़ की गई है और टफन ग्लासेस का वर्क भी यहाँ पे किया गया है। तो जो भी विला को परचेस करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी कॉल करें हमें, नंबर आपके स्क्रीन पर ब्लिंक करें होंगे। विला के अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मात्र 33 लाख रुपये में ये विला आपका हो सकता है।